show that total mechanical energy of a freely falling body remains constant throughout its fall. तो आपको प्रूव करना है कि अगर मान लो कोई भी बॉडी यहां से नीचे गिरती है तो पूरे पाथ में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये प्रूव करो. तो एक काम करते हैं, एच हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो. तो रास्ते में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी. और नीचे गिरती ग्राउंड पे क्या होगी? वी डैश. टोटल हाइट क्या है? एच. तो अगर ये एच है तो ये क्या है? एक्स. ये क्या है? एच माइनस एक्स. ठीक है. तो यहां पर ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या है? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक. पोटेंशियल क्या है? एम जी एच. काइनेटिक क्या है? जीरो. ये ना. बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है? एम जी इंटू एच माइनस एक्स. एम जी इंटू एच माइनस एक्स. काइनेटिक में वेलोसिटी वी निकालें, तो वी निकालने के लिए इक्वेशन अप्लाई करें, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू जी एक्स. इस वी स्क्वायर को उठा के यहां पुट करें तो ये टर्म आगे टू से टू कैंसल, इसे ओपन करें आंसर, तो आंसर क्या आएगा? एम जी एच. राइट. थर्ड, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो. काइनेटिक क्या हो जाएगी? हाफ एम वी डैश स्क्वायर. तो अगर मैं वी डैश की वैल्यू निकालूं तो यहां और यहां वी डैश स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू जी एच. तो ये रहा वी डैश. तो वी डैश स्क्वायर क्या आ गया? टू जी एच. पोटेंशियल बॉटम पे जीरो है और काइनेटिक हाफ एम इंटू वी डैश स्क्वायर, और वी डैश स्क्वायर की जगह क्या? टू जी एच. टू से टू कैंसल, आंसर एम जी एच. तो एनर्जी तीनों पॉइंट्स पर क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम. तो एनर्जी कंजर्वेशन हो गया. प्रूफ करने को है, कर देना प्रूफ. और एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल का, काइनेटिक का और टोटल का, तो इसके अंदर क्या होगा? ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, और ये क्या है? ये हाइट है. आप ये देखें, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें या नीचे फेंकें, मान लो ऊपर फेंक दिया तो किसी वेलोसिटी से फेंका तो आपने क्या दी? काइनेटिक एनर्जी. ऊपर जाते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक क्या हो गई? जीरो. पोटेंशियल मैक्स हो गई. पर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट. टोटल एनर्जी कांस्टेंट है. अब इसमें जब आपने बॉडी को फेंका था तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम. और टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या हो गई? हाइट अटेन करने के बाद जीरो. पर जब फेंका था तो पोटेंशियल क्या थी उस टाइम? जीरो. और फिर क्या हो गई? मैक्सिमम. तो एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी एनर्जी साइमल्टेनियसली बढ़ती जा रही है, लेकिन टोटल रिमेन्स सेम. क्लियर है? तो एनर्जी का ग्राफ है.